आज जो हम सर्जरी कर रहे हैं वो बेसिकली पिनाइल इम्प्लांट की है। ये उस पेशेंट की सर्जरी की जा रही है जो कि यंग है, 22 साल की उम्र का है, उसको शादी करनी है और उसकी रिएक्शन बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने का रीज़न ये था कि शुरू में थोड़ी सी ईडी उसको शुरू हुआ, पास में कहीं लोकल जगह पे दिखा लिया, उन्होंने गारंटीशुदा 2-3 महीने की दवाई दे दी कि ये इससे ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से। पहले बहुत अच्छी रिएक्शन आई, लेकिन जैसे ही दवाई ख़त्म हुई उसके बाद रिएक्शन आनी बंद हो गई और वो फिर कभी भी नहीं आई। ये बेसिकली होता क्यों है, पहले भी बता चुका हूँ, हाई डोज में व्याग्रा दे दी जाती है या तो उसका चूर्ण बना के या किसी दवाई में मिक्स करके। शुरू में पेशेंट को बड़ा अच्छा लगता है, 10-15 दिन बाद उसको दोबारा दवाई दी जाती है तो पेशेंट तब अच्छे भले पैसे उनको दे देता है। जब इतनी हाई डोज में आपको व्याग्रा या टेडलाफिल दे दी जाए इतनी हाई डोज में, तो उसके बाद वो कोई भी दवाई उस पर असर नहीं करती और इरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उस दवाई के ख़त्म होने के बाद। फिर चाहे आप दवाई ले लो या सीवरीडी में वो चेंज हो जाता है, चाहे आप पी शॉट करा लो, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और ऐसे केसेस में जो कि सीवियर ईडी में चेंज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई डोज ऑफ व्याग्रा, उसके लिए इम्प्लांट ही चॉइस बनता है। तो अब इनका हम इम्प्लांट कर रहे हैं और उसका वीडियो मैं आपको डालूंगा थोड़ा बहुत, उसके साथ नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसी का डालूंगा और थोड़ा बहुत उसके साथ जो मुझे लगा अगर उसमें कुछ बताने का है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियोस डालने का पर्पज़ ये होता है कि आप देख लीजिए कि सर्जरी बड़े इजीली हो जाती है, कोई इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि वो ब्लड देख के और सब कुछ ऐसे खुलते हुए देखते पेनिस, थोड़ा डर तो हर किसी को लगता ही है, लेकिन बड़ी सेफ सर्जरी है, आप आके करा सकते हैं। विद टाइम ये सर्जरी बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुकी है, इसमें किसी तरह का अब इशू आमतौर पर नहीं आता है। तो आप ये इसके बाद ये सर्जरी जो नेक्स्ट सर्जरी का वीडियो है उसे भी देखिएगा।